हेलो गाइस, वेलकम टू द स्टेट व्यू। ब्लैक एडम का डे टू का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आउट हो चुका है। डे वन से थोड़ा सा डिप हुआ है इंडिया के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में, पर ये तो होना ही था क्योंकि अभी नॉन हॉलीडे है। सैटरडे संडे वीकेंड के दिन तो ये जरूरी धमाल मचा देगा क्योंकि इसके रिव्यूज बड़े अच्छे आए हैं। जहाँ पर यार इंडियन मूवीज, बॉलीवुड की मूवीज स्पेशलिस्ट, वो 3 से 4 करोड़ की भी ओपनिंग ले ले पा रही, मुश्किल से 1 से 2 करोड़ की ओपनिंग लेती है। वहाँ पर ही ब्लैक एडम ने 6.10 करोड़ रुपीज़ की ओपनिंग ली थी। और डे टू के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करूँ यार, एक ही रिक्वेस्ट है उसको जानने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब जरूर कर देना और लाइक का बटन जरूर दबा देना ऐसी फर्दर अपडेट्स पाने के लिए। अगर मैं डे टू का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करूँ तो वो निकल के आ रहा है 4.05 करोड़ रुपीज़। तो इसका अगर हम दोनों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मिलाया जाए, डे वन डे टू का, तो वो निकल के आ रहा है अराउंड 10.10 करोड़ रुपीज़, जो यार एक डिसेंट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है। अभी तो सबसे ज़्यादा कलेक्शन होगा सैटरडे एंड संडे, क्योंकि इस बार कोई मेजर मूवी रिलीज नहीं हुई है बॉलीवुड में। थर्सडे तक तो इसको यार पूरा एक कहते ना ग्रीन फ्लैग मिला हुआ है, उसके बाद राम सेतु एंड थैंक गॉड रिलीज होगी, फिर देखते हैं इसका क्या रिस्पॉन्स रहता है बॉलीवुड में और स्पेशली हिंदी में। तो यार आपको कैसा लगा इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर करना। और एक ही रिक्वेस्ट है फिर से यार, लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।